द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। भारत ने गाजा पट्टी के लिए एक बार फिर राहत सामग्री भेजी। इस राहत सामग्री को दूसरी खेप कहा जा रहा है। दूसरी खेप इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इससे पहले भी भारत गाजा पट्टी के लिए राहत सामग्री भेज चुका है और एक बार फिर से भारत ने गाजा पट्टी के लोगों के लिए राहत सामग्री भेजी है जिसे दूसरी खेप कहा जा रहा है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है भारत सरकार की तरफ से कि हम फिलिस्तीनियों की मदद लगातार करते रहेंगे और बार बार करेंगे। अब इस बीच इजराइल की टेंशन बढ़ गई है क्योंकि इजराइल जो समझ रहा था कि भारत उसके साथ है, भारत ने पहले इजराइल के खिलाफ जो है वोट किया, उसके बाद अब भारत लगातार फिलिस्तीनियों का साथ देते हुए दूसरी राहत सामग्री की खेप भी भेज रहा है और ये भी कह रहा है कि हम फिलिस्तीनियों की मदद बार बार करते रहेंगे। ऐसे में उन नफरती चिंटुओं को भी झटका लगेगा जो लगातार इजराइल का समर्थन कर रहे थे, जो लगातार इजराइल द्वारा जो गाजा पट्टी में नरसंहार किया जा रहा था उसका जश्न मना रहे थे, उसका समर्थन कर रहे थे। ऐसे में भारत सरकार ने उन लोगों को भी एक कड़ा जवाब दे दिया है कि वो किसके साथ है और किसी भी नरसंहार का समर्थन नहीं करता है। आप अपनी स्क्रीन पर डॉक्टर एस जे शंकर का ट्वीट देखिए जिसमें उन्होंने जानकारी दी है कि हम फिलिस्तीन के लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करना जारी रखेंगे, बार बार करेंगे। पहली राहत सामग्री की खेप भेज चुके हैं, दूसरी खेप भी भेज दी है और यहाँ कहा जा रहा है कि हम फिलिस्तीन के लोगों की मानवीय सहायता बार बार जो है उन्हें मानवीय सहायता करना जारी रखेंगे। दूसरा IFMCC C-17 विमान 32 टन सहायता सामग्री लेकर मिस्र के एल अरिश हवाई अड्डे के लिए रवाना हो गया है। तो यहाँ पर डॉक्टर एस जयशंकर खुद जो है इस बात की जानकारी देते हैं। इसी के साथ आप अपनी स्क्रीन पर वाजिद खान का ट्वीट भी देख रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने पहले लिखा है इंडिया विद पैलेस्टाइन, हम फिलिस्तीन के लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करना जारी रखेंगे। ये वही लाइन कोट की एस जयशंकर के ट्वीट में से। आगे लिखा है IFMCC C-17 विमान 32 टन सहायता सामग्री लेकर मिस्र के एल अरिश हवाई अड्डे के लिए रवाना हो गया। जो तस्वीरें सामने आ रही है वो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से भारत सरकार ने कहा है कि हम फिलिस्तीनियों की मदद करना, फिलिस्तीनियों की मानवीय सहायता करना जारी रखेंगे और बार बार करेंगे। पहली खेप भारत ने भेजी थी, उसके बाद दूसरी खेप भी भारत ने गाजा पट्टी में फिलिस्तीनियों के लिए भेजी है। गाजा पट्टी में इजराइल लगातार नरसंहार कर रहा है, लगातार गाजा पट्टी में फिलिस्तीनियों को निशाना बना रहा है और गाजा पट्टी में इजराइल ने सारे रास्ते भी बंद कर दिए हैं। हालांकि अमेरिका के बार बार कहने के बाद इजराइल जो है और हमास के हमलों के बाद इजराइल जो है वो थोड़ा सा झुकता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पर गाजा पट्टी में लोगों के लिए जो है वो मानवीय सहायता दुनिया भर से पहुंच पा रही है। नरगिस बानो भी इसे ट्वीट करती हैं, यहाँ तस्वीर शेयर करते हुए लिखती हैं कि भारत सरकार ने लोगों के लिए, गाजा के लोगों के लिए 32 टन मदद भेजी है। भारत का C-17 एयरक्राफ्ट 32 टन की राहत सामग्री लेकर मिस्र पहुंच चुका है। अब इसे लेकर खबरों में क्या कुछ है, पीएम मोदी से लेकर क्या कुछ कह रहे हैं ये भी आपको बताएंगे। लेकिन भारत सरकार जिस तरह से कह रहा है कि हम फिलिस्तीनियों की मानवीय सहायता करना जारी रखेंगे, उससे यहाँ पर नफरती चिंटू और भक्तों और इसराइल को बड़ा झटका लग सकता है क्योंकि ये लगातार ये सोच रहे थे कि भारत सरकार जो है वो इसराइल का समर्थन कर रही है। नफरती चिंटू जो है वो लगातार सोशल मीडिया पर फिलिस्तीनियों का मजाक बना रहे थे। वहां पर जिस तरह से भुखमरी है, जिस तरह से वहां पर पीने का पानी नहीं है, लोग जिस तरह से मर रहे हैं, लगातार उसका जो है मजाक बना रहे थे, उसका समर्थन कर रहे थे, लगातार इसराइल के समर्थन में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर भारत सरकार ने ना सिर्फ राहत सामग्री की दूसरी खेप भेजी बल्कि यहाँ पर एस जयशंकर ने साफ साफ लिखा है कि हम फिलिस्तीन की मानवीय सहायता करना जो है वो जारी रखेंगे। अब आप अपनी स्क्रीन पर एबीपी का ये आर्टिकल देख रहे हैं जिसमें कहा गया है कि भारत ने गाजा पट्टी के लिए भेजी राहत सामग्री की दूसरी खेप। जयशंकर ने कहा कि फिलिस्तीन लोगों की मदद जो है वो जारी रखेंगे। आगे लिखा है आर्टिकल में कि इसराइल में घुसकर फिलिस्तीन के संगठन हमास के गत 7 अक्टूबर के हमले के बाद इजरायली सैन्य बल IDF के हमले गाजा पट्टी में लगातार जारी हैं। अभी भी लगातार वो हमले कर रहे हैं। पिछले 44 दिनों से IDF के हमले से बदहाल हुए गाजा पट्टी के आम लोगों के लिए भारत ने मानवीय मदद की दूसरी खेप
रविवार 19 नवंबर को भेज दी है। ये जानकारी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खुद दी है। एस जयशंकर ने ट्विटर पर लिखा है कि हम फिलिस्तीन लोगों की मानवीय सहायता प्रदान करना जारी रखेंगे। विदेश मंत्री ने कहा कि 32 टन राहत सामग्री लेकर भारतीय वायुसेना का दूसरा C-17 विमान मिस्र के एल अरिश हवाई अड्डे के लिए रवाना हो गया है। आपको बता दें कि एल अरिश हवाई अड्डा गाजा पट्टी के साथ मिस्र की सीमा पर राफा क्रॉसिंग से लगभग 45 किलोमीटर दूर है। राफा वर्तमान में गाजा में मानवीय सहायता के लिए एकमात्र क्रॉसिंग पॉइंट है। हालांकि इसे केवल राहत सामग्री के लिए खोला गया है और दुनिया भर से जो है गाजा पट्टी के लोगों के लिए, फिलिस्तीनी लोगों के लिए जो है वो राहत सामग्री भेजी जा रही है, जिसमें खाने पीने की चीज़ें और उनके अस्पतालों का क्या हाल हो गया है, कुछ दवाइयाँ, कुछ मेडिकल से जुड़ी चीज़ें जो हैं वो उनके लिए भेजी जा रही हैं, ताकि वहाँ पर जो लोग बदहाल हैं इन राहत सामग्री से थोड़ा सा संभल सके, अपना ख्याल रख सके। इससे पहले इसराइल हमास के बीच जारी जंग के बीच भारत ने गत 22 अक्टूबर को फिलिस्तीन को चिकित्सा और आपदा राहत सामग्री की पहली खेप भेजी थी। तब संयुक्त राष्ट्र में भारत के उप स्थायी प्रतिनिधि राजपूत आर रविंद्र ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की खुली बहस में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए कहा था कि भारत ने इसराइल की जबरदस्त जवाबी बमबारी से जूझ रहे गाजा पट्टी में 38 टन भोजन और महत्वपूर्ण चिकित्सा उपकरण भेजे हैं और दूसरी खेप भी भारत सरकार ने भेज दी है। उन्होंने कहा कि भारत ने फिलिस्तीन के लोगों को दवाइयां और उपकरणों सहित 38 टन जरूरत का सामान भेजा है। ये पहली खेप की बात हो रही है। पहली केप में गाजा पट्टी के लोगों के लिए दवाइयां और चिकित्सा से जुड़ी कई जरूरी चीजें, 38 टन जरूरत का सामान जो है वो भेजा गया था। हम शांति बहाली के लिए आवश्यक स्थितियां बनाने और सीधे बातचीत को फिर से शुरू करने की दिशा में काम करने का भी आग्रह करते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि किस तरह से भारत जो है वो फिलिस्तीन के लिए किस तरह का भारत का रुख है, और भारत सरकार लगातार ये कह भी रही है कि हम फिलिस्तीनियों को मानवीय सहायता करना जो है वो जारी रखेंगे, यानी कि हम उन्हें बार बार मदद करेंगे। वहीं आपको बता दें कि दो दिन पहले ही 17 नवंबर को दिल्ली स्थित भाजपा के मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में पीएम मोदी ने गाजा पट्टी में इजरायली कार्रवाई के दौरान आम नागरिकों की जान जाने को लेकर चिंता जताई है। कोलेट्रल डैमेज को लेकर कड़ी निंदा करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि गाजा पट्टी में सैन्य कार्रवाई में आम लोगों की मौत निंदनीय है। अल जजीरा की रिपोर्ट की माने तो गाजा पट्टी में अब तक सैन्य कार्रवाई में 11,000 से अधिक लोगों की जान जो है वो जा चुकी है, जबकि इसराइल में हमास के हमले के बाद करीब 1400 लोगों की मौत बताई जा रही है। लेकिन गाजा पट्टी में यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि गाजा पट्टी में हर दिन हर वक्त जो है वो इसराइल बमबारी कर रहा है, एयर स्ट्राइक कर रहा है, और ऐसे में हर पल हर दिन हर घंटे जो है ये आंकड़ा डबल ट्रिपल हो जाता है, और लगातार जो है बच्चे, महिलाएं, नौजवान, बूढ़े अपनी जान वहां पर गंवा रहे हैं, वहां शहीद हो रहे हैं। लेकिन जिस तरह से भारत सरकार ने फिलिस्तीनियों के लिए मदद भेजी है, इसे लेकर सोशल मीडिया पर बहुत ही पॉजिटिव कॉमेंट्स आ रहे हैं। लोग सोशल मीडिया पर भारत सरकार की तारीफ करते नहीं तक रहे हैं, और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि भारत सरकार ने मानवीय सहायता फिलिस्तीन को जिस तरह से कहा है कि फिलिस्तीन को मानवीय सहायता करना जारी रखेंगे, ये एक बड़ा ही अच्छा कदम है। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरह से भारत सरकार ने पहले तो इसराइल के खिलाफ वोट किया, उसके बाद भारत सरकार ने पहली सामग्री भेजी, पहली राहत सामग्री भेजी फिलिस्तीन को, उसके बाद दूसरी सामग्री भी भेज दी है, दूसरी खेप भी भेज दी है, और कहा है कि हम बार बार जो है ये मदद करेंगे, फिलिस्तीनियों को मानवीय सहायता देना जो है वो जारी रखेंगे। आप भारत सरकार के इस फैसले को लेकर, भारत सरकार के फिलिस्तीनियों को मदद भेजने को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।